अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत होंगे। नसर भाई, तुम्हारे लिए आज क्या आया है खास? मेरे लिए खास आज ये पर्दे भाई, पर्दे आ गए फाइनली। हमारे समीर चैंपियन जो है ना, वो चैंपियन लाया, नहीं लाता तो फिर इधर थोड़ी आता, फिर कहाँ आता मैं भाई। ये पर्दे आ गए कहाँ के लिए पर्दे हैं मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। नसर भाई कल लग जाएंगे? अच्छा कुछ दिन में लगेंगे। अच्छा अच्छा, वो सेटिंग भी हो जाए भाई, आप लोगों को बता दूँ और भी सेटिंग भाई। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये वर्क और सामने वाला वर्क, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और ये और कोई नहीं, हमारी पूरी टीम ने किया है, नसर भाई लोगों ने सब ने माशाल्लाह से। आप लोग पूछ रहे थे बकरों का आ रहा है भाई, सर्दियाँ आ गई हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी चीज़ें। काफ़ी दिन हो गए मैंने फार्म की सही से अपडेट जो है ना वो नहीं दी थी, तो ये है कि भाई ये चल रहे थे मामलात। मैं फार्म पे भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली ही आ रहा था, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई छुट्टी की हो, लेकिन ये है कि मैं मौका नहीं लग पा रहा था कि वो लगा हुआ था फार्म के मामलात में। ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई वर्क हो गया इधर का। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानवर जो है वो खुला हो गया, पूरा पार्टीशन खुला हो गया है। और मैं ज़रा इस तरफ से जाता हूँ। दूसरा ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ बछड़ियों की जो खुली थी वो माशाल्लाह माशाल्लाह से आज जाके काम वर्क हो चुका है। सामने भी देख सकते हैं भालू मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी भराई की थी। यहाँ पे टंकी बन गई थी, ये पानी की बड़ी टंकी बनवा ली है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पर काम हो रहा है। हमारे ये ड्रम जो है ये फारिग हो गए माशाल्लाह से, ये टंकी एक बड़ी बन गई, बाकी ये खुली का वर्क हो गया। ये आज ही ये देख सकते हैं प्लास्टर करके गए हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह खड़े होंगे जानवर। और चले मैं कंटिन्यू करता हूँ। चले भाई ये मैंने आपको दिखा दी, बाकी ये कि भाई ये भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है खुली। और इंशाल्लाह अब ये है कि तमाम जानवर जो है ना हमारे वो इधर खड़े होंगे और अब कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। खुलियों पे जैसे तैसे करके गुजारा हम लोगों ने, कुछ टाइम गुजारा, पहले तो अच्छा चल रहा था लेकिन वो जानवर यकीनी बढ़ गए, तो इसलिए जो है ना वो क्या कहते हैं अल्लाह भला करे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि सेट हो गया है मामला इंशाल्लाह। कल से वर्किंग में आ जाएगी इंशाल्लाह, नीचे भराई कर देंगे, क्योंकि ये अभी आप इनको मैंने पहले ही बताया था कि ऊंची करवाई है, नीचे बिछेगी मोरम फिर भालू, तो मोरम और भालू दोनों अवेलेबल है फार्म पे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी जानवर मैं दिखा देता हूँ साथ साथ, ठीक है जी। यहाँ पे जो है आपको अल्लाह भला करें, अब इनका सबका जो है ना सारा स्टैंड होने का सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, मसले मसाइल में नहीं होंगे मुफासा माशाल्लाह। तो आप लोगों ने वेट वाली वीडियो देखी और स्किन वैक्सीन वाली वीडियो देखी, कैसी लगी आप लोग बताइएगा। बाकी अभी यही चल रहा है बस मामलात इंशाल्लाह। ये बच्चे भी इंशाल्लाह खड़े होकर तरीके से खा रहे होंगे, अभी तो ये है कि इनको ये कुछ कुछ यहाँ पे मिलकर नहीं खाते, सारे यहीं खड़े होकर खाते हैं, खोल देते हैं चारे के टाइम पर, तो ये है कि सारे इंशाल्लाह सही से खड़े होकर खाएँगे। बाकी चले बछड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ से बता दूँ, यहाँ से पूरी कोशिश तो यही है कि यहाँ पे कोई माल ना खड़ा हो, ये हमारे कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी वार्ड कह लें या ऐसे कोई, हम कोशिश यही करेंगे कि इधर की तरफ वो बनाए रखें। बाकी ये कि अल्लाह खैर करने वाला है, चल रही बड़े बछड़ों की तरफ चलते हैं। बाकी ये कि मैं ज़रा इधर की भी अपडेट दे दूँ आज भाई साहब, इन भाई साहब को जो है ना, ये जो समीद वाला है ना सामने खस्सी जो कराया था, इसका पेशाब रुका हुआ था ऐसा वैसा, तीन चार घंटे तक रुका हुआ था मेरे ख्याल है, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेट हैं। थोड़े से वीक ऑब्वियसली हुए हैं क्योंकि इनको दाना ही समझे, बिल्कुल लाइट चल रहा है, सिर्फ छिलका भूसी, तो ये सीन है। बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा नसर भाई और इनकी टीम का, मतलब पूरी टीम का ये काम है भाई, इन लोगों ने किया है, तो कैसा लगा आप लोगों को? दोनों छपरे भाई, सामान ये लोग ले आए, छपरा खुद से बनाया है, जो बात है। नसर भाई मेरी तरफ से तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो अच्छा लगा, हाँ बहुत बेहतरीन काम हुए, दोनों खूबसूरत काम किए, साफ़ सुथरे काम किए, तो लोग भी अब बताएंगे नसर भाई तुम्हें कि कैसा किया है। और बचत हो गई मेरी, पत्थर से बचत हो गई है। चले जी
बछड़ों की तरफ चलते हैं थोड़े से। यार लाइट, ये शेड जला दो ना, शेड तो जलाओ। ये भालू मिट्टी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ा ट्रक जिसका जिक्र कर रहे थे वो हुआ है। ये ईंटें आप देख रहे होंगे, अब कल से होगा ये कि भाई कल से शुरू होगा यहाँ वाला काम। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है ना, ये वाला ये दो रद्दे ऊपर हो जाएंगे, यानी इस लेवल तक आएगा और बीच वाले को भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो ये डिमोलिश होगा अंदर से, फर्श इसका टूटेगा और फिर भराई होगी। इतनी इससे भी इतनी भराई हो जाएगी जितनी अभी ये है, इतनी भराई होगी फिर इंशाल्लाह खुल लिया, ताकि ये जो स्टैंड कर रहे हैं ना हमारे बच्चे, ये फिर सही खड़े होके खाएं। और भाई आप लोगों ने देख लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बिग बेबी मेरा जो है ना लाल बादशाह हमारा भाई 17 मन माशाल्लाह क्रॉस कर रहा है अल्लाह के करम से। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी पूरी टीम को, और आप लोगों ने भी इसको बहुत सराहा। और इस पर भी काफ़ी लोगों ने देखा कि यार ये माशाल्लाह 500+540 तक आई गेस चला गया इसका वेट दोबारा। तो ये एक अल्लाह का बड़ा एहसान है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जानवर ही माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट रहे और आप लोग पसंद आया। बाकी हमारा राजा, ऑब्वियसली आपको पता है कितना मैं वज़न करने से पहले ही बता रहा था कि ये काफ़ी डिस्टर्ब रहा और इसने वेट लूज़ किया होगा यकीनन, तो वो किया है इसने। और ये लेकिन होपफुली बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। बाकी भाई बाकी जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सब सेट हैं। और मैंने बिग बॉस की अब तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे बिग बॉस आपको दिखा नहीं होगा तो उसकी मैं जाके आप लोगों को जगह दिखा देता हूँ। उसको यहाँ पे कॉर्नर पे करने की वजह मैं पिछली अपनी दोनों वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि वहाँ पर कॉर्नर पे खड़ा होता है तो ये चारा वगैरह डालो तो ये बिल्कुल छोड़ के खड़ा हो जाएगा, और कोई साथ खड़ा हो जाए ना आके। और तो खस्सी जब से हुआ था इसने स्ट्रेस लिया हुआ है वैसे ही, फिर कोई आ जाता है तो तंग बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इसको यही है, इसको वंडा तो इसने वंडा कम खाया, आज भी ये है कि जितना इसको देना है। ये तो बीच में बिल्कुल ही इसने 2-3 दिन तो ऐसा भी किया कि कुछ खाया ही नहीं सिर्फ भूसे के अलावा। तो अभी यही है, इसका मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था, इसने वेट लूज़ किया है लेकिन अभी 2 दिन से कुछ बेहतरी की तरफ गया है, वंडा भी खा रहा है। अब भूसा भी इसको दे देते हैं तो ये खा लेता है शाम तक में। तो इंशाल्लाह यहाँ की अब जगह का मकसद यही है कि ये बिल्कुल सुकून से रहे, इसको कोई भी आके डिस्टर्ब ना करे। बाकी ये कि भाई पाडा यहाँ पर है, पाडे के भाई मैं फेस पे अभी थोड़ा सा वही इसके मोरे की वजह से ज़ख्म हुआ है, तो है यूँ सेट पाडा, पाडे को वैसा कुछ नहीं है, मगर ये अपना खुद ही खुजा के ना थोड़ा ज़ख्म बढ़ा रहा है। अच्छा सामने वाले जानवर मैंने तरीके से नहीं दिखाए, चले इस तरफ के दिखा देता हूँ मैं यासूब। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही, जानवर अल्लाह के करम से प्रोग्रेस में ही हैं और माशाल्लाह से सारे जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस में, जो जैसी ब्रीड है वो वैसी ग्रोथ कर रहा है। ये देखें भाई इसके काम दे, खड़ा ही रहेगा, खोपर ही खड़ा रहेगा। अच्छा ना, अच्छा बिगड़ा नवाब तो इतना बिगड़ गया है बस, मुझे तो लग रहा है ये दूसरा अफलातून बनेगा जिस तरीके से इसकी हरकतें हैं ना, जितना बड़ा होता जा रहा है ना उतना ख़तरनाक होता जा रहा है। मिल्की बुलबुल हमारा, अच्छा ये वाइट आपको जो दिख रहा है भाई रुई रखी हुई है, ठीक है ना, ये कोई कुछ और ना समझे, ये रुई रखी हुई है ठीक है, ताकि जानवरों की उस सींगों पे से मुंह पे फेस पे गंदगी ना लगे। बाकी शपाटर माशाल्लाह भाई, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह 600 kg के पास जा रहा है, तो सॉरी 500 kg के पास नहीं बल्कि पता नहीं, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। दबंग ने माशाल्लाह वापस अपनी दबंग परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छी ग्रोथ। और इस पे तो भाई जैसे मैं वो हैरान हुआ था, इसने भी माशाल्लाह बाकियों को भी हैरान किया, और बादशाह ने वाकई लाज रखी कि वो उसने रिज़ल्ट ऐसे दिए कि बादशाह वाले। और माशाल्लाह से सारे ही जानवर ज़बरदस्त, की एनर्जी आप देख सकते हैं सेट हो गई है। अब यही है कि बस बाल आने, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे वो भी। बबलू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से होता जा रहा है। सिम्बा पे बहुत लोग खुश हुए, बहुत
ज़बरदस्त इसका रिजल्ट दिखा तो बहुत अच्छा लगा सबको। ओहो भाई डरिएगा नहीं, ये हमारा अश्वद ही है और अश्वद के वही पानी जो है ना, मैंने बताया था ना कुछ जानवर, मगर सेहत आप देख सकते हैं सेहत अलहमदिल्ला बेहतर ही है, थोड़ा सा बस हुआ था ये, लेकिन ये कि कुछ जानवर जिसमें अश्वद है और वो हमारा सुल्तान वहाँ बंधा हुआ है, मैं भी आकर दिखाता हूँ उसको बांधा भी इसी वजह से, ये देख सकते हैं इसको भी हमने दो रस्सियाँ करी हुई हैं ताकि ये अपना पैर वगैरह ना मार सके, ये देख सकते हैं सामने पिलर भी बंधी हुई है, पैर मार के असल में लोग ख़राब कर रहे हैं अपना ज़ख्म। पॉपकॉर्न, ये बच्चा माशाल्लाह हमारा वाइट लाइन ज़बरदस्त, और माशाल्लाह एक महीना इसको हो गया है हमारे पास, एक महीने में चेंज बहुत अच्छा है इसका, ऐसे पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि जब मज़ीद टाइम गुजरेगा तब पता चलेगा। काजू माशाल्लाह, महाराजा राजा राजा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक महीने बाद आपको जो है ना सही वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। अच्छा जी, अब स्किन वैक्सीन भी हो गई तो इंशाल्लाह होपफुली इनके स्किन भी चमकेगी। और ये खड़े हैं भाई शान फखरे करीम, शान करीम सॉरी, नायाब, नायाब का माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है ये निस्बतन राजा राजू के, और क्योंकि बीच में जो सीज़न अभी गुजरा था हमारा बारिशों में उसमें ये सब ने वेट लूज़ किया हुआ था, लेकिन इसने माशाल्लाह अपना वेट वापस से अल्हम्दुलिल्लाह से इसने जो है ना वो बहुत अच्छा उठाया और बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रोग्रेस हो गई अल्लाह के करम से, इसकी हो गई, शपाटर की हो गई, सिम्बा की हो गई, सिर्फ इसकी नहीं, लेकिन ये बादल, बादल अब बेहतर ट्रैक पे आ रहा है, इसको हेपाटैक वगैरह पिलवाया है मैंने जिगर का जो होता है, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है। चुलबुल माशाल्लाह, बुर्राक अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम जानवर खुश हैं, सेट हैं, इंशाल्लाह भालू मिट्टी डल जाएगी जगह की सफाई होके तो इंशाल्लाह ये और ज़्यादा आप लोगों को बेहतरी दिखेगी। शान यूसुफ, तो ये सीन है दोस्तों, ये आपके अनमोल और वो बिग बॉस फॉक्सी का देखें चेहरा, वे कैसा है माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। बंटी को यार खस्सी का सोचा है, हाँ खस्सी भी तो इंशाल्लाह हमाद भाई से बात हुई है, इंशाल्लाह मैंने आपको एड्रेस बता भी दिया था, वो 20 नवंबर कह रहे थे कि 20 नवंबर तो राजा को भी करा दूंगा और क्या कहते हैं बंटी हो सकता है, बाकी ये के देखते हैं और कौन कौन होता है। सुल्तान खड़ा है भाई, सुल्तान की आप देख सकते हैं सिंह जो है ना इस वजह से ये खड़ा है, इसके ये अपना खुजाता रहता है दोनों तरफ इसके पैर मार मार के। समीर से पूछ लेते, समीर राजू का क्या इरादा है, खस्सी करा दे राजा के साथ, करवा देना मैंने बोला था वीडियो में भी, चलो ठीक है करवा देते हैं, अब देखते हैं रोकना है या खस्सी कराने के बाद। अच्छा 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 सही है भाई, खस्सी तो चलो होगा। ये देखें ये जो है ना ये भाई साहब की काम है, कारस्तानी है, जिसकी वजह से इनका इन्होंने ज़ख्म बढ़ाया कि इन्होंने और एक अश्वद ने, तो ये अपडेट थी भाई, कल से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और एक दफ पहले ये बनेगी और फिर वो वाली खुली बनेगी और ये देखते हैं कि कल कहाँ जानवर खड़े करते हैं। नसर भाई तो कह रहे हैं जो बछड़ियों की तरफ बना है इंशाल्लाह वहीं कर देंगे, तो बाकी भालू मिट्टी बड़ा ट्रक मंगवाया था मैंने बताया आप लोगों को, और ये सीन है फार्म अलहमदिल्ला अपनी शेप में आ रहा है, अंदर का माहौल काफ़ी वैसे ही गर्म होता है, पर्दे लग जाते हैं शाम ढल जाते हैं तो फिर पर्दे लग जाते हैं, अभी भी कमरे में कुछ वर्किंग चल रही है, मेरा भाई लारेब जो है ना वो ये जो सामने भी शेड में लाइट लगी है यहाँ पे, फिर नसर भाई लोग की शेड में हर जगह लाइटें लगा रहा है अभी तो फिलहाल वो नहीं खुल रहा जानू क्या कर रहा है हैं कुछ नहीं लगा दिया बल्ब लगा दिया यहाँ पे वायरिंग क्या बिठा रहे हो वायरिंग भी डाल दिया अंदर ये छुपा रहे हो पंखा चला दो यार भाई के लिए देखो पसीना पसीना हो रहा है देख के नसर भाई याद कर रहे हैं और नसर भाई ने लगा ये क्या हुआ
क्यों नहीं चला? ये क्या सीन हो रहा है भाई? अच्छा भला तो पंगा था, ओए चल गया भाई, चल गया। अच्छा जी चले भाई, काम करे ये लोग, करते रहे। क्या बोला? क्या आपने कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस यही बोल रहा था माशाल्लाह का वो लिखा हुआ है भाई, अच्छा लगता है, खूबसूरत। एक कमेंट आया था, पता नहीं यार मुझसे किसी ने रब्ता किया था शायद, कि आप वीडियो माशाल्लाह कि उससे शुरू किया करें। तो भाई माशाल्लाह मैं कहता हूँ, मैं कह ही देता हूँ तो फिर क्या है। चले जी, आई गेस इनफ है आज की अपडेट। मैंने वैसे ही जिक्र किया था कि हफ्ते में एक आध, वैसे ही अभी दो तीन वीडियो हमने लॉन्ग देख ली हैं, तो मेरे ख्याल में इनफ है अपडेट के हवाले से। ये कि नसर भाई लोग का ये बैठने की जगह, यहाँ पे ये देख सकते हैं चारपाई वगैरह, यहाँ सोने की जगह तो ये भी सेट हो गई है। बकरों का भी माशाल्लाह सेट हो गया है। बकरों का बस यही सोचा है कि इंशाल्लाह इसको यहाँ से बंद कर देंगे हवा का, तो इंशाल्लाह आगे हमारा जो है ना, जैसे ये हिस्सा जो है ना, इसको पर्दा कर देंगे या कुछ तरीके से कर देंगे कि इंशाल्लाह हवा वगैरह नहीं जाएगी। तो फिर वैसे पीछे से तो बंद है, उस तरफ से भी बंद है, तो होपफुली अच्छा मामला रहेगा। बाकी पर्दे इंशाल्लाह सामने कल लग जाएंगे, और एक पर्दा, तीन पर्दे हैं, दो सामने लगेंगे, बाकी एक हो या तो यहाँ लगेगा या वहाँ लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।